मथुरा में तांग सूडो खेल का 3 दिवसीय ऑनलाइन रेफरी ट्रेनिंग सेमिनार आयोजित हुआ। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश के 6 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तांग सूडो खेल का 3 दिवसीय ऑनलाइन रेफरी ट्रेनिंग सेमिनार मथुरा के गांधी पार्क पर आयोजित किया गया। इस तांग सूडो रेफरी सेमिनार के लिए तांग सूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर अरुण जांगड़ा को मुख्य ट्रेनर अधिकृत किया गया। ग्रैंड मास्टर अरुण जांगड़ा ने सभी प्रतिभागियों को रेफरी नियमों से अवगत कराते हुए प्रशिक्षण दिया। तांग सूडो रेफरी सेमिनार में उत्तर प्रदेश के 6 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से तांग सूडो रेफरी ट्रेनिंग सेमिनार कोऑर्डिनेटर दिनेश सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि आने वाले नेशनल स्कूल गेम्स में तांग सूडो खेल के लिए इस सेमिनार में जिन्हें अच्छे ग्रेड प्राप्त होंगे उनको नेशनल स्कूल गेम में रेफरी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और ये जो सेमिनार है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया है, ऑनलाइन रेफरेशमेंट ट्रेनिंग कोर्स फॉर तेंचुडू गेम रखा गया है। तेंचुडू के जो नियम चेंज हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर उसके लिए ये है, क्योंकि जो रेफरी हैं हमारे पहले जो रेफरी रहे हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग आई है रूल्स में, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी था। और ये ऑनलाइन जो सेमिनार है पूरे इंडिया लेवल का है, कई स्टेट इसके अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रही हैं और सीख भी रही हैं। तो ये सेमिनार कहाँ रखी गई है? अभी जो इतना प्रैक्टिकल जो यहाँ करके दिखा रहे हैं ये मथुरा के अंदर रखी गई है। मथुरा में गांधी पार्क के अंदर ये हॉल है, इस हॉल के अंदर प्रैक्टिकल करके सभी को दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को। ऑनलाइन जो छात्र हैं वो कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं? ऑनलाइन जो छात्र हैं वो उनको छात्र नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें काफ़ी जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो पढ़ाते हैं बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और काफ़ी उसके अंदर वो भी हैं जो मार्शल आर्ट गेम को करवाते हैं किसी भी स्कूल में या अपने किसी क्लब में, तो उन सभी को आगे मौका मिले, इसलिए स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये एक सुनहरा मौका दिया हमें। और मैं धन्यवाद करूंगा दिनेश सिंह जी का और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आलोक खरे जी का कि जिन्होंने हमें यह सेमिनार करने के लिए अधिकृत किया और हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं।